शाहरुख जी आपके राइट में, शाहरुख जी किधर किधर आपके किदर? राइट में शाहरुख जी, शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या। आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का। सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स्ड टुगेदर। मैं जिस जगह पर मैं बैठा हूँ अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा। मालूम है कहाँ बैठा हूँ मैं, तो शर्म नहीं आ रही है सवाल करते, जानता कौन है ये? इसीलिए तो पूछा। ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं? शर्म आनी चाहिए तुझको। Maybe we move to our next question. Can we all, okay, listen, ladies and gentlemen, can we also stick to the questions of the film? आप तो अपनी जिंदगी के सारे issues जो हैं उन पे सवाल पूछ रहे हैं। सर आपका सवाल फिल्म पे है, बताइए। हेलो, थैंक यू जावेद। शाहरुख भाई आपकी जो मूवी है इसमें एंड में डायलॉग है कि लोग तो प्यार में चांद पे जाने की कसमें खाते हैं, हम तो सीरियस ले बैठे, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ये मूवी जैसे आपकी पोपन की वीर दारा या दिल तो पागल है एक्चुअली ये मैं सवाल जो है ना मैं थोड़ा सा बोलूँगा बट आई वुड जेन्युइनली टेल आनंद सर टू टेल यू क्योंकि ना यार ये जैसे सर ने लिखी है हिमांशु के साथ और हेमल हमारे जिन्होंने एडिट की है जो मेन क्रिएटिव फोर्स है इस फिल्म की उन सबका जो एक बहुत अलग सा टेक है यार मोहब्बत पर। बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत इंटेंस लोग हैं और मोहब्बत में जेन्युइनली मानते हैं। लेकिन और मैं ये बात कह रहा हूँ हमारी और भी क्रिएटिव अजय अतुल यहाँ पे हैं, इरशाद भाई यहाँ पे हैं, बॉस को बहुत सारी टीम है जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है चाहे वो गाने में है, लिरिक में है, डांस में है, हमने लाइनों में है, एक्टिंग में है, जोन में है, जो भी चीज़ों के अंदर यार ऐसी मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है मैंने अपने 27 सालों में नहीं किया है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट, मैं बोलूँ उसको तो छोटा हो जाएगा, मैं बोलूँगा बड़ी इंटेंस है, बड़ी शिद्दत है, बड़ी कमाल की मोहब्बत है, बहुत फैलाव की मोहब्बत है। आई थिंक थोड़ा सा मैं उसको छोटा कर दूंगा, बहुत असली मोहब्बत है यार और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैंने की, मैं सीन बोल नहीं सकता बट और ये भी बताऊँगा मैं हमारी बाकी टीम में भी यहाँ पर बहुत सब लोग हैं, राहुल दा, मनु, बहुत लोग हैं हमारी टीम, कई बार वो सीन देख के उनको भी लगता ये होना नहीं चाहिए सर, ये कैसे पुश कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार ये भी बोला गया और मैं बताऊंगा कि शाहरुख खान से तो थोड़ा सा लोगों को एक्सपेक्ट, बट ये बहुत असली मोहब्बत है यार। सो इफ़ आई वांट टू से कि चांद तारे वाली मोहब्बत है, आसमान वाली मोहब्बत है, जुपिटर सैटर्न वाली मोहब्बत है, पानी के अंदर चले जाने की मोहब्बत है, मर जाने की मोहब्बत है, फना हो जाने की मोहब्बत है, एक्चुअली इन सब मोहब्बतों से जो असली मोहब्बत है वो ज़्यादा बड़ी होती। सो आई थिंक इसमें बहुत असली मोहब्बत है और मैंने कहा था बहुत कम बात करूंगा तो इसलिए मैंने बहुत कम बात की। ट्रेलर दो सवाल है मैं आप दोनों से इंडिविजुअली पूछना चाहता हूँ। कटरीना आई हैव सीन यू प्ले सो मेनी रोल्स लेकिन ओके खूबसूरती छुपी रहे अच्छा थोड़ा लगता है यार। हाउ इज इट टू प्ले योर ओन प्रोफेशन ऑन स्क्रीन, व्हाट यू आर इन रियल लाइफ, वो रियल लाइफ से रियल लाइफ पे लेके आना वो मुश्किल था, वो वाज जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क? So the profession is the same, as in I'm playing an actor in the film and I'm an actor in real life, but the personality of the character is not at all like me. I think I'm fairly well behaved and a fairly sensible person. And झूठ हम बताते रहेंगे जो जो झूठ बोलेगी हम बोलते रहेंगे। Okay, ठीक है। And this character, the character's name is Babita in the film, and I think what Anand sir kind of And your real name is? Katrina. Such.
And I think, honestly, for me, it was just such an incredible experience working with Anand sir. The journey he took me on in this film was really unexpected for me. But most importantly, it was new for me. And every day I felt like I was learning something. Every day I felt like I was scared. Every day I felt like, what are we doing here? You know, what is Anand sir doing with me? And do I trust him? Do I not trust him? But at least I felt he was there with me every step of the way. And he was trying, we were trying together to create something new. Something hopefully different and special. So for me as an actor, as a performer, I learned a lot in the film. And it was an experience which I gained from tremendously. And I forgot what your question was. Anushka, I've known you for 10 years almost now, okay? 10 saal ho gaye, 2008. No idea who you are. Okay? Right from the time that you debuted. Listen, I know this, ke, you just have this energy, jiske wajah se aap samne wale ko bhi nervous karte nahi hai, because tu oldest lines use kar raha ladkiyon ke saath. Nahi, nahi, nahi. Main 10 saal se janta hu jo tumhari energy hai, positivity hai, sir. Bhai, but aaj kal nahi chalta. No, 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 no. I know what you're talking about. She has this kind of bubbly and nervous energy. You feel nervous, yeah? Yeah, so that used to happen to me. I used to think, you know, what do I have to do next? But then I just realized you just have to look, just enjoy, just take it all in, and then you'll be fine. So imagine, always entertaining. आपको आनंद सर कहते हैं कि तुम ही एक फिल्म कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें बैठना है अनुष्का. You're not moving too much except the chair on which you are. What was the thought? I mean, you know, I'm playing a character who has a cerebral palsy. So it was something that I realized that was going to be very challenging, because the only way I could emote everything I was feeling was, and emote so much, I mean, my character really goes through like these ups and downs in the film, was by just really being centered and being on that chair and kind of not moving. In fact, I used to come on set and just be there and only get up jab agar mujhe, you know, lunch khane jana tha wapis. Main usi chair ko ghumati rehti thi pure set mein, so I get used to it. And I think, as an actor, aap chahte hain that you get opportunities jahan pe aapko alag alag cheez karne ko mile. And I'm very happy ki mujhe is film se ye opportunity mili. That was my biggest reason to want to do this film, apart from, you know, wanting to work with Anand sir and Shah Rukh again and Katrina. But it was this, because mereko lagta hai ki ye is film mein maine kuch aise karne ki koshish kari hai jo mere liye mushkil to tha, but at the same time itna rewarding tha. कि मैंने थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसी जगह में कभी कभी पाया कि मैं इतना चैलेंज फील कर रही थी कि आई वाज लाइक यार ये मैंने करा शुड यू नो द डाउट दैट इवन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि यार मैं कर पाऊंगी ये बिलीवेबल लगेगा एंड आई वुड कीप टेलिंग हिम आल्सो यू नो शाहरुख कैन आई टेक अनदर टेक आई डोंट थिंक इट्स ओके एंड ही बी लाइक यू वर फाइन मे बी यू वर फाइन इट वॉज लुकिंग फाइन एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे लग रहा है आना सर मैं वापस कर लूँ एंड आई डोंट एवर फील सो नर्वस ऑन सेट्स यू नो यूजली जो जितनी ज़्यादा मैं यहाँ पे इस फिल्म पर थी सो आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेस्टर भी किया सर माइक पे एक सेकंड ये लीजिए बट ट्रस्ट मी हम सुरेंद्र तुम्हारी वजह से आज समझ खान साहब आज समझ में आया राइट कास्टिंग क्यों है अनुष्का क्योंकि ये बबली और चर्बी है इसलिए ये वहां बैठ सकती थी ये मेरे को अब भी जेन्युइनली अब भी समझ में आया कि इट्स एक्चुअली एक सच बात बताऊं मैं अमूमन अभी जब मेरे को फिल्मों में पिछले 7-8 साल से लोग रोल ऑफर कर रहे हैं ना डायरेक्टर्स आके उनका एक अजीब सा है मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात यार बात कर ले कर ले जरूरी फोन तो नहीं है सर हाँ गर्लफ्रेंड का तो कर ले सब सुनेंगे तो मुझको ना हर कोई आके ये बोलता है सर आपके लिए पिक्चर चाहिए लेकिन हमें शाहरुख खान नहीं चाहिए तो ऐसा हो जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार नहीं चाहिए तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो आके मुझे बोलते हो ऐसा कुछ एक नया करेंगे एक तो ये ना री इन्वेंशन का जो चक्कर है ना यार बड़ा ही बोरिंग और बकवास है एकदम बिल्कुल एक बार इन्वेंट हो गया तो हो गया बार बार थोड़ा करते रहेंगे कि हम लोग प्लेन को री इन्वेंट कर देंगे ये कर देंगे दिस इज द फर्स्ट फिल्म that I'm very happy that a director has not only not wanted me, he's not also not wanted the heroines in the film. So I'll tell you this. Inki jo nature hai, ki ye bubbly hai jaisa aapne kaha, or outgoing or whatever, isko ekdam sthir kar do. Mere ko itna lamba hoon, chota kar do. Aur Katrina, jo kar rahi hai, genuinely, I'll tell you something about Katrina because she doesn't speak too much out and, you know, we just know her. अनफॉर्चुनेटली यूनिडाइमेंशनली हम लोग क्योंकि मैं दोस्त हूँ इसलिए शायद बोल सकता हूँ शी इज़ एक्सट्रीमली इमोशनल बट शी हाइड्स इट वेरी वेल
And she's been able to do that for years, only with personal friends she's like this. To be able to invoke that out of someone who's very dignified, very clear-headed, and as a matter of fact, quite strict. Ye theek hai, I'm sure breakfast time pe karti hai, meri tarah hafte mein nahi nahati, zyada nahati hai. Ye sab hai iske karte hai. And both of them are completely contrary to what perhaps they are in real life. And I think for an actor, that becomes the greatest challenge. For the director, actually, that is the most difficult thing. Ki achhe star mile, hum tino se wo kara lein jo humko karna aata hai. Lekin for him, jo nahi, ekdam comfort zone se nikal ke, how uncomfortable and how difficult it must have been for him and his team to pull this off every day with three stars who worked for 15, 20 years and who know their bone and they gnaw at it and they know how to do it. And to say, bilkul nahi karaunga, and to continue convincing us every day for about 100 days. What was the first conversation?